हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है लास्ट वीडियो की, जहाँ पे मैं गई थी GIP मॉल और वहाँ पे मैंने आप सबके साथ शेयर किया था ज़ुडियो का कलेक्शन। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ज़ुडियो का वुमेन वियर कलेक्शन, एंड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेंस कलेक्शन। और साथ में उसके बाद हम लोग गए थे DLF मॉल, तो वहाँ पे भी हमने क्या किया मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना। और लास्ट में मैं आप सबके साथ एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक बहुत ट्रेंडी कॉर्ड सेट मैंने क्रिएट किया है, डिज़ाइन किया है। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो यहाँ पे मैंने ये वुमेंस वेयर कलेक्शन आपके साथ सबके साथ शेयर किया था, जहाँ पे 299 से लेकर 799 899 तक की कुर्तीज़ और कुर्ता सेट्स सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एथनिक की काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, डेली यूज़ एंड ऑफिशियल यूज़ के लिए, कॉलेज वेयर के लिए अगर आपको देखना हो तो काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइंस थे, अनारकली हो या ड्रेसेस हो या फिर कुर्ते हो। और उसके अलावा मैंने वेस्टर्न वेयर भी शो किया था, तो वेस्टर्न वेयर में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके इनके पास, क्रॉप टॉप्स थे और ड्रेसेस थी, एंड जीन्स में भी जीन्स में थोड़ी कम वैरायटी थी एज़ कम्पेयर टू H&M या फिर ज़ारा। सो अगर आप ज़ुडियो को उनसे कंपेयर करते हैं कि ज़ुडियो में जो कलेक्शन है वो H&M एंड ज़ारा के कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब कलेक्शन अफोर्डेबल होता है इनका, बट जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। और उसके अलावा यहाँ पे मेकअप का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली हर चीज़ मिल जाएगी, मेकअप, एक्सेसरीज़ और फुटवेयर, एंड साथ में जो भी क्लोथिंग आइटम्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ के फुटवेयर मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। सो ये सिर्फ 299 रुपीज़ की आपको इतनी स्टाइलिश एंड डिज़ाइनर फ्लैट्स मिल रही थी, तो इसमें से मैं एक यूज़ ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है और काफ़ी ड्यूरेबल भी है, एंड अभी तक वो मेरी चल रही है और उसी क्वालिटी में है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको नेल पेंट्स की बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, सारे शेड्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो कलर रेंज होती है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा कॉर्ड सेट्स एंड फेस मास्क सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेंस कलेक्शन होने वाली है, और ये मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया था, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा कलेक्शन है इनका भी, और मेरा भाई और मेरा कज़न ऑलरेडी इनकी कलेक्शन को यूज़ कर चुका है और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और अफोर्डेबल है। सो यहाँ पे आपको जो बेसिक टी शर्ट्स हैं वो 299 या फिर 199 से स्टार्ट हो जाती हैं, और ग्राफिक प्रिंटेड टी शर्ट्स या फिर जो स्लोगन प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं सब कुछ हर टाइप की वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। सो ये बेसिक टी शर्ट्स की जो रेंज है वो 199 से स्टार्ट हो जाती है, उसके अलावा धीरे धीरे प्राइस रेंज इंक्रीज़ होती जाती है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल कलर्स में यहाँ पे जो ट्रेंडी कलर्स हैं उसमें ये स्वेट टी शर्ट्स मिल रही हैं, कॉटन फैब्रिक में थी बट कंफर्टेबल था, जो बीच का मौसम होता है उसमें पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल था। एंड अगर आपको जिम वियर चाहिए तो वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में, तो एक बार ज़रूर आप चेकआउट करना। सो दीज पोलो टी शर्ट्स वर जस्ट फॉर ₹399 इन ऑल द कलर्स, जो कि आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, सारे कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मतलब बेसिक कलर्स होते हैं जो, वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं एंड आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है, सो मैं मार्केट व्लॉग्स एंड आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की वीडियोस शेयर करती हूँ। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक भी कर दें एंड कमेंट भी करें अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हैं, या फिर आपको किस टाइप के आउटफिट्स अगर आपको देखने हैं कोई डिफरेंट जो मैं क्रिएट करूं, जो मैं डिज़ाइन करूं, सो उसके लिए भी अगर आपको कमेंट करना है आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी। एंड आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट डिज़ाइंस के यहाँ पे सब कुछ, मतलब बेसिकली आपको जो एक स्टोर में सब कुछ आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए, आपको चाहे मेंस का कलेक्शन चाहिए, चाहे वुमेन का कलेक्शन चाहिए, चाहे आपको फुटवेयर चाहिए या कोई भी टाइप की एक्सेसरी चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली सब कुछ आपको एक ही स्टोर में मिल जाता है। और साथ में आप इजीली, मतलब बहुत इजी एक्सेसिबल है। एंड ज़ुडियो का स्टोर ये नोएडा वाला है GIP मॉल में, इसके अलावा कमला नगर में भी एक स्टोर है, वहाँ पे मैंने विज़िट अभी तक नहीं किया है बट वो भी काफ़ी अच्छा और बड़ा स्टोर है।
सो दीज फुटवेयर्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है. ये मेरा भाई ऑलरेडी यूज़ कर चुका है. सो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी कम्फर्टेबल हैं. एंड दे आर जस्ट फॉर 299 rupees. अच्छा, इस बार जूडियो में शूज़ का काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था मैन एंड वुमेन दोनों के लिए. बट लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो उस टाइम मुझे उतना अच्छा कलेक्शन नहीं मिला था. बट इस बार काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी शूज़ में एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी. बहुत ज़्यादा लाइट वेट थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली. एंड आई रिग्रेट कि मैंने पता नहीं अभी क्यों नहीं लिए. और फुटवेयर में भी एक ब्लैक फुटवेयर मुझे बहुत पसंद आए थे और उसके लिए भी आई रिग्रेट कि मैंने क्यों नहीं लिया. मुझे ले लेना चाहिए था क्योंकि इनका कलेक्शन भी चेंज होता रहता है. जो लास्ट टाइम मैंने फुटवेयर लिए थे वो इस टाइम मुझे नहीं दिखे. तो कोई बात नहीं, क्या पता नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छी वैरायटी मुझे मिल जाए. उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे DLF मॉल. अच्छा, GIP से अगर आपको DLF मॉल आना है तो एक फुट ओवर ब्रिज आपको दिख जाएगा. बिल्कुल थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है GIP मॉल से. आप जैसे एग्जिट करेंगे और उसको क्रॉस करने के बाद आप सीधा DLF मॉल के अंदर ही एंट्री करते हैं उसकी बैक साइड में. और फिर वहाँ से जाके देखिए, ये GIP मॉल है और फिर वहाँ से जाके आप इजीली बैक साइड में DLF मॉल की एंट्री कर सकते हैं. और फिर वहाँ से आप फ्रंट की तरफ आके वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सब कुछ है. तो वहाँ फुट ओवर ब्रिज से ऐसे आप नीचे उतरेंगे तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आके आपको DLF मॉल में एंट्री आप कर सकते हैं. और इस बार DLF मॉल में कुछ इन्होंने डायनो थीम दे रखी थी. सो सब जगह डायनासोर्स ही थे. आई गेस कुछ इन्होंने कुछ डायनासोर थीम बेस्ड कोई एक्टिविटी स्टार्ट करी है. सो इसलिए वो प्रमोशन के लिए सब जगह उन्होंने डायनासोर्स लगा रखे थे एंड दे वर मूविंग डायनासोर्स. सो काफ़ी अच्छा था बच्चों के लिए, एक न्यू डिफरेंट चीज़ है. जैसे कि जुरासिक पार्क में होता है तो जुरासिक पार्क थीम थी बेसिकली. तो काफ़ी बच्चों के लिए अच्छा एक आप देख सकते हैं. एंड दे ऑल वर मूविंग. सो काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये भी. तो इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी तो हम लोग फूड कोर्ट आ गए एंड वी ऑर्डर्ड आर फूड. तो हमने नूडल्स एंड थाली वगैरह ऑर्डर किया था, नॉनवेज थाली. सो वी एंजॉयड आर फूड. एंड दीज नूडल्स वर रियली टेस्टी. बहुत ज़्यादा टेस्टी थे. आई डोंट रिमेंबर कि हमने कहाँ से ऑर्डर किया था, अभी मैं बिल्कुल भूल गई हूँ. बट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इनकी टेस्ट था. बहुत ज़्यादा टेस्टी थे. और हमने नज़ीर फूड से थाली ऑर्डर करी थी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी. एंड उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा हमने इन्जॉय किया मॉल में. एंड देन वी वेंट टू मिनिसो और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट से मुझे बैग्स दिखे, शोल्डर बैग्स. एंड दे वर वेरी क्यूट एंड वेरी ट्रेंडी और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे. दे वर प्राइज्ड एट ₹800 to ₹900 समथिंग. तो ये इनका प्राइस था बट क्वालिटी अच्छी थी एंड दे वर वेरी क्यूट और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी कलेक्शन था. साइज थोड़ा सा छोटा था. सो 750 का आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस है इसका. 750 से लेकर 900 तक की रेंज थी. डिफरेंट डिफरेंट बैग्स थे और मिनिसो में आपको बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी चीज़ें मिल जाती हैं, कलरफुल सी. मिनिसो का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में मिलता है एंड बहुत क्यूट एंड ट्रेंडी चीज़ें होती हैं यहाँ पे. और आपको बेसिकली हर टाइप का आपको यहाँ पे कैटेगरी का आइटम मिल जाएगा, प्रोडक्ट अपने घर के लिए. और ज़रूर एक बार आप ट्राई करिएगा एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ पे आपको कलेक्शन मिलता है. हमारी नेसेसरीज़ होती हैं उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी. एंड ये DLF मॉल में था. DLF मॉल में इसका स्टोर था. इसके अलावा कनॉट प्लेस में भी इसका स्टोर है तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं. सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट मिनिसो. तो हमने थोड़ी देर मिनिसो को एक्सप्लोर किया और उसके बाद वी केम बैक होम. और वापस आते वक्त हमने ये अमेजिंग सा सनसेट एंजॉय किया था
और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आप देखेंगे व्यू कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो काफ़ी टाइम से मुझे अपने लिए एक कॉट सेट बनाना था जो कि बहुत थोड़ा कंफर्टेबल वेयर के लिए हो, समर्स के लिए हो, एंड साथ में मैं ऐसे ही इसको घर में पहन सकूं या फिर मार्केट आने जाने के लिए डेली यूज़ के लिए मैं उसको पहन सकूं। तो उसके लिए मुझे कोई कॉट सेट बनाना था। तो मैं लाई थी फैब्रिक रेयन मटेरियल, एंड ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी का रेयन फैब्रिक था। आपको रेयन फैब्रिक ईज़िली कहीं भी किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। ये मेरा 100 रुपीज़ पर मीटर था और इससे मैंने ये कॉट से डिज़ाइन किया था। तो मैंने अफ़गानी शलवार इसकी डिज़ाइन करी थी और साथ में सिंपल शॉर्ट कुर्ती थी जो कि बेल स्लीव्स के साथ थी, और नेक पे मैंने लूप्स का डिज़ाइन दिया था, कॉलर नेक था और साथ में लूप्स का डिज़ाइन था एक तरफ में राइट साइड में। और ये इसकी लुक है एंड इसका फॉल बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। तो इसको मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकती हूँ, बेसिकली एज अ कॉट सेट, या फिर मैं कुर्ते को जीन्स के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं इसमें दुपट्टा भी ले सकती हूँ, जो दुपट्टा मेरा ये पुराना दुपट्टा था फुल। एंड इसमें मैंने पॉकेट्स भी रखवाए हैं ऑन बोथ साइड्स, विच इज़ वेरी यू नो यूज़फुल। सो या दिस वॉज इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द आउटफिट एंड यू लाइक द ज़ुडियो कलेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू सून। टिल देन टेक केयर।